के बारे में, मैट पेंट्स के बारे में, जो कि बहुत ही कॉस्टली और बहुत ही अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त पेंट्स होते हैं जो कि ब्राइटो कंपनी के, और ये दो कैटेगरीज में आते हैं। एक की कीमत जो मैं आपको बता दूँ, करंट कीमत जो इसके जरिए, एक है 32,000 की कीमत जो सबसे रॉयल कीमत है, और नंबर टू है 23,000 की कीमत जो इसके ड्रम की कीमत है, और गैलन की जो है वो 15,000 है जो जो सेकेंड कैटेगरी है, और जो फर्स्ट कैटेगरी उसकी जो है वो 21,000 रुपये है। तो आइए जी गाइस शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये है जी स्टेन फ्री, और ये है जी ब्राइटो कंपनी आपके सामने, पाकिस्तान के नंबर वन पेंट्स हैं इसके, और ये है स्टेन फ्री जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जी ब्राइटो है। अब हम आप इसको पेंट्स बता रहे हैं, अपने घर में अगर करवाने हैं तो ये आपके सामने जी है, इन्होंने बड़ा खूबसूरत सा इसके बारे में बयान किया है और ज़बरदस्त बताया है कि कितने ज़बरदस्त ये पेंट्स हैं, कुछ भी लगा दें, पानी लग जाए, हर चीज़ को साफ़ करने तो बड़ी क्लियर तरीके से क्लियर हो जाएंगे, और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से जो इसकी एक एक चीज़ जो है यहाँ पे बताई गई, किस तरह से स्टेन फ्री जो है ये आपके लिए एक बेहतरीन एक चीज़ है, और एक ब्राइटो की कंपनी से पाकिस्तान में आपको ये चीज़ अवेलेबल है जो कि बहुत बड़ी बात है, जो कि हम लेकिन तो जो गाइस कलर्स इसमें हमें बताए गए हैं, पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये ब्राइटो की कंपनी है, और ये इंटीरियर कलर्स हैं जैसे कि आप देखने के कलर्स हुए हुए हैं, ये वो कलर्स हैं जो ये ब्राइटो की कंपनी दे रही है। इसके बाद ये इनके दूसरे कलर्स हैं जो कि आप देख सकते हैं ब्राइटो के, ये सारे के सारे, फिर ये कलर्स हैं, ये देखिए, ये देखें कितने ज़बरदस्त इनके कलर्स हैं जो आप अपने घर में लगा सकते हैं, अपने इंटीरियर को अच्छा कर सकते हैं। फिर हमारे पास जी ये कलर्स आ रहे हैं ग्रीन में जैसे कि आप देख रहे हैं, उसके बाद ये देखें जैसे घर आपने बनाना है तो इस तरह से आप ग्रीन कलर को यूज़ कर सकते हैं इसमें, ये ब्राइटो पेंट्स, और ये जो है ख़राब भी नहीं होंगे चूँकि स्टेनलेस हैं, स्टेन फ्री है, तो इस वजह से अच्छा जी। तो फिर हमारे पास ये कलर्स कुछ आ जाते हैं जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसके बारे में जो है यहाँ पे आपको क्लियरली गाइड किया गया है, ये देखें जी किस तरह से ब्राइटो ने आपको एग्जैक्टली इसके बारे में जो है बताया कि ये वो कलर्स हैं जो आपको ब्राइटो कंपनी स्टेन स्टेन फ्री कलर्स दिए जा रहे हैं। तो ये इसकी थोड़ी सी मैंने का आपको एक वो करा दूं। अब हम चलते हैं ब्राइटो की, जो कि नंबर वन कंपनी है पाकिस्तान की, और ये देख सकते हैं इसका येलो कलर है। तो पहले हम जाते हैं कलर्स के ऊपर, सबसे पहले हमारे पास है जी हर्ट येलो, तो ये जी है येलो कलर, लाइट सा येलो है। उसके बाद इससे ज़रा सा डार्क आता है लेमन सॉर्बेट, फिर हमारे पास आता है जी बनाना रिपल, यानी बनाना की कलर की तरह बिल्कुल ये, फिर हमारे पास आता है जी स्पन गोल्ड, ये बड़ा येलो कलर है। फिर हमारे साथ है मैंगो येलो, यानी कि मैंगो जिस तरह मैंगो का कलर होता है उस तरह येलो है। फिर गाइस हमारे पास आ रहा है जी चॉक शेल, जैसे कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइट सा कलर है, और उसके बाद ऑफ वाइट, ये ऑफ वाइट कलर है, इसको आप चाहें यूज़ कर सकते हैं, हम ये रिकमेंड करते हैं ऑफ वाइट। फिर है जी वॉयलेट ब्लूम, वॉयलेट ब्लूम हमें इतना अच्छा मुझे कलर नहीं लग रहा, आपको शायद अच्छा लगे। फिर है जी टोंड हेम, ये भी ब्राउन कलर है लेकिन ये मैं बेटर कलर है, आप इसको कर सकते हैं यूज़। फिर है जी ब्लू फ्लेम, ब्लू फ्लेम भी अच्छा कलर है अगर आपने इंटीरियर यूज़ करना है। आप गाइस आते हैं डिफरेंट दूसरे कलर्स को देखते हैं, तो ये है जी गाइस कंट्री रोज़, ये पिंक किश सा कलर है हल्का सा लेकिन ये बहुत क्यूट सा कलर है। फिर हमारे पास है जी समर समर डे, तो ये लाइट सा कलर है, ये भी बड़ा प्यारा सा कलर है, ग्रीनिश सा है। फिर है एंटीक वाइट, ये भी बड़ा अच्छा कलर है। फिर हमारे पास एश वाइट है, बड़ा खूबसूरत बड़ा ज़बरदस्त सा कलर है। फिर हमारे पास स्विश वाइट, फिर हमारे पास है जी आइस पिंक, आइस पिंक भी बड़ा अच्छा। फिर है जी पूल साइड, फिर हमारे पास है जी स्वीट क्रीम, ये भी बड़ा अच्छा कलर है। फिर हमारे पास है डव वाइट जो कि बड़ा अच्छा कलर है। फिर हमारे पास है जी कैटी वाइट, कैटी वाइट भी बिल्कुल क्यूट सा कलर है, यूनिक सा है। फिर है जी पिंक, ये गर्ल्स के लिए होता है पिंक ले, बट गर्ल्स के लिए हो सकते। फिर है जी पैसिफिक ओशन कलर है, ये भी ठीक है, मिक्स एंड मैच है। फिर है जी अप्रोको एप्रिकोट कलर, ये भी क्यूट सा ज़बरदस्त सा कलर है। फिर हमारे पास है जी ब्रोज़ल नट भी ठीक है। फिर है जी आइस एज, ये भी अच्छा है। फिर ये है जी रेड चिल्ली, ये मैं इसको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा गाइज, इंटीरियर के लिए भी एक्सटीरियर के लिए भी। फिर है जी
पीकॉक ब्लू ये भी इतना मुझे अच्छा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा। फिर ये अफ्रीकन ऑरेंज ये भी गाइस मुझे अच्छा नहीं लग रहा। फिर ये ब्रेवन ब्राउन ये अच्छा है। फिर जी फ्लैबुश ये यूनिक सा थोड़ा कलर है, अगर आप इसे यूज़ करना चाहें। उसके बाद है जी ग्रीन, ये आपके पास ग्रीन कलर है। फिर हमारे पास आ रहा है जी शरबत, शरबत जैसे ग्रीन का कलर होता है वैसे बिल्कुल शरबती कलर है ये। फिर हमारे पास है जी फ्रेश पास्ता वाला कलर है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं। फिर हमारे पास है जी चांदनी, चांदनी जैसा कलर है बिल्कुल। फिर हमारे पास है जी लेमन, लेमन जैसे लीमू का होता है वैसे इससे मिलता जानी सब्ज़ लीमू। फिर जी ग्रीन समिट का कलर है, जैसे आप देख रहे हैं ये भी अच्छा कलर है इंटीरियर के लिए। फिर जी ग्रीन येलो ये अच्छा कलर है। फिर है विस्टर्ड वाइट ये भी अच्छा कलर है। फिर हमारे पास है जी एलोवोरी सिल्क ये भी अच्छा कलर है। फिर है जी एप्पल वाइट, एप्पल वाइट भी जैसे एप्पल वाइट का कलर है, ये भी क्यूट सा यूनिक कलर है, इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं इंटीरियर घर में। फिर है जी ये ग्रीन, ये जी फ्लैग ग्रीन जैसे पाकिस्तान का ग्रीन कलर है वैसे उसके हिसाब से फ्लैग ग्रीन है। फिर है जी ओलिव, ओलिव की तरह ग्रीन है। और ये इन्होंने इन ग्रीन, इन सब ग्रीन्स का जो है एक मिक्सचर जो है बनाया हुआ, कैसे इन सबको जो है इन्होंने इंटीरियर जो है डेकोरेट किया हुआ है ये ब्राइटो वालों ने। आगे हम चलते हैं गाइस, हम देखते हैं और कलर। ये है जी क्लासिक, क्लासिकल ये थोड़ा सा जो है पर्पल टाइप है। फिर हमारे पास ये है बादामी बादाम, यानी ब्राउनिश साइड हल्का हल्का टच दे रहा है, ये भी अच्छा कलर है। फिर है जी हमारे पास ऑर्चिड, ऑर्चिड लैन, ऑर्चिड लाइन भी जो है मैं इसे रिकमेंड करूँगा अच्छा कलर है। फिर है जी कैमियो, कैमियो भी हल्का कलर है, गुड है कमरे के हिसाब से। फिर है जी पर्पल पार्टी, पर्पल पार्टी भी ठीक ही है। उसके बाद है जी पीच गुडनेस ये भी अच्छा है। फिर है जी लेवेंडर वाइट, लेवेंडर वाइट भी अच्छा है। फिर हमारे पास है जी केरेवेल पिंक, केरेवेल पिंक मैं इतना रिकमेंड गाइज नहीं कर रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा इतना। फिर है शायद आपको अच्छा लगे, लेकिन फिर है जी ओशन डिप, ओशन डिप भी इतना अच्छा नहीं है। फिर है जी रॉयल ऑर्चर्ड, ये मैं गाइज कहूँगा ये बिल्कुल पेंडुओं वाला कलर है, आप इसको बिल्कुल ना करें। ब्राइटो का हालांकि है, लेकिन मैं मेरी रिकमेंडेशन ये नहीं होगी कि आप ये एक्चुअली इंटीरियर में करें। फिर है जी पफ, पफ जो है ये अच्छा है, ये आप ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये कमरे को भी लाइट कलर जो एक्सटेंड करते हैं, लंबा करते हैं, और जो डार्क कलर्स होते हैं वो छोटा लगता है कलर्स, तो ये भी इसकी एक लॉजिक है, तो जिसके से मैं रिकमेंड करूँ। फिर है जी स्मोकी ग्रे ये भी आप कर सकते हैं, स्मोकी विंग, स्मोकी विंग भी अच्छा कलर है, लेकिन ये जो है सलासा ये मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। इसी तरह मैं रॉयल ब्लू जो कलर है ये डार्क ब्लू कलर है, इसको मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। तो ये जो था ये हमारे ब्राइटो के कलर्स थे जो मैंने आपसे रिकमेंड किए, और ये जो था आपका सिस्टीन जो था ये गाइस एक सेकेंड, ये आपका जो स्टेनलेस सिस्टीन जो है ये इसके ऊपर जो था मुहित था। तो उम्मीद तो ये था जी ब्राइटो, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको स्टेनलेस तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ आपको स्टेन फ्री के जो ब्राइटो के कलर्स हैं इसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी, आप अपने करीबी स्टोर से ले सकते हैं। तब तक मेरे चैनल और मुझे रखन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और इसके और भी वीडियोस देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो से। टाटा।